गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड हो रखी है। हम लोखंडी आए थे रात को और यहाँ पे रुके थे, बट यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं हुआ रात को, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बर्फ़ पड़ी हुई थी। आप देख सकते हो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है, बहुत बर्फ़ है। और अभी हम एक ट्रैक है 5 to 6 kilometers का, कोई टेम्पल है उधर तक का, लेकिन उधर ही उसी ट्रैक पे जा रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। मस्त लग रहा है। मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ। ये ट्रैक है, देख सकते हो ट्रैक पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, मिट्टी तो दिख ही नहीं रही है। नाइस, पहाड़ों पे देखो ऊपर। ऑसम ऑसम ऑसम। आज सुबह थोड़ा बारिश हो गई थी हल्की हल्की, तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ आज स्नो हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि हम स्कूटी लेके आए, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर स्नो हो गया ना तो हम फंस जाएंगे आज यहाँ पे, और फिर हमें यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। श्रेया, उस टेंपल का नाम कहाँ हम जा रहे हैं? बुद्धेश्वर। हाँ, बुद्धेश्वर केव्स हैं उधर है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि 5 to 6 kilometers का ट्रैक कवर करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ है तो चल नहीं पा रहे, इतना इजी नहीं है, मतलब सूज फिसल रहे हैं। मस्त व्यू है, लोग रह रहे हैं नीचे। यार 2 kilometers के अराउंड हम अभी चल पाए हैं, क्योंकि उधर बर्फ बहुत पड़ी हुई थी तो बहुत धीमे धीमे चलना पड़ रहा था, बट अभी इधर बर्फ नहीं है, मतलब बीच में कुछ जगह है जहाँ बर्फ़ नहीं है। सही है, थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, देख सकते हो आप उधर पीछे भी पड़ी है, पहाड़ों पे भी पड़ी है, बट अभी रूट ये ट्रैक पे नहीं है। जंगलों में ट्रैक करना बड़ा ही अच्छा लगता है, बट मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला इस ट्रैक पे, समझ रहे हो आप। मैं और श्रेया दोनों अकेले हैं और मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो नीचे कुछ तो मिला है, नीचे स्नो भी है और एक रिजॉर्ट टाइप का भी है कुछ। क्या रिजॉर्ट है, कोई गवर्नमेंट फॉरेस्ट वालों का होगा कुछ। इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज था, हम थे यहाँ दोनों निशान अपने यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये फॉरेस्ट वालों का है और यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो रखी है। यहाँ पे हमें थोड़ी जानकारी ले लेंगे कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं। वाघ भवन बुधेर, बुधेर मोइला टॉप पैदल मार्क 2.50 करना से रेंज चक्राता, चक्राता वन विभाग, बुधेर मोइला टॉप है। हमें टेंपल जाना है ना, आई हैव टू आस्क, जी क्लोज है बिल्कुल, पर वो नहीं है ना ट्रैक। हाँ, मुझे लग रहा है ये वाला होगा ना, तो तुम्हारे पास मोबाइल है मेरा। ओ इधर आते हैं,
देख के आते हैं शर्ट क्या है। वो भी लगा है, सही है। आप देख रहे हो ये क्या लिखा है, लेट्स गो। अंकल जी उधर बर्फ पड़ी हुई है, ऐसी होगा जैसा ये। मैं नहीं पकड़ रहा, चढ़ाई आ गई तो मेरे को देने लगी, नहीं तो चढ़ाई आ गई तो मेरे को देने लगी, हमेशा चालाकी से चलेगी मेरे साथ। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है, और ट्रैक बहुत टफ है। अब देखो मैं ना बैक कैमरा ऑन करता हूँ, देखो जिस बर्फ मेल्ट भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी फिसल रहे हैं हम लोग। और ये देखो, लेकिन वाह ऑसम, सी सामने का व्यू देखिए आप, ये देखो मस्त। सॉरी, अगर यहां से थोड़े भी फिसले ना तो नीचे खाई में लग रहा, हम पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। वी हैव रीच्ड जस्सी मोइला टॉप के मुख्य आकर्षण, बुद्ध प्राकृतिक गुआ, प्राकृतिक पानी का तालाब, ऐतिहासिक परिमंदिर, सौरभ्य बग बोग्ञान क्षेत्र, कनासरन चक्राता, जस्सी द व्यू। ओ ओ ओहो ओके, ओ ओशम ओशम ओशम। ये देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है, देख रहे हो आप, तालाब सा है पूरा भरा हुआ है बर्फ से। ओह माइंड ब्लोइंग, नाइस। ये देखो ये मंदिर है, लकड़ी का बना हुआ है, और आप यहाँ पे देखोगे ना, आई थिंक कि ये हिरन या किसी जानवर की सींग है, देख रहे हो आप। ये मंदिर है, अंदर लकड़ी का ही बना हुआ है, और ये ऊपर लकड़ी का बना हुआ है, और आप बाहर का देख सकते हो, चारों तरफ बर्फ पहाड़ों पे पड़ी हुई है। ये पीछे भी पहाड़ी है, ये देखो इधर का मस्त व्यू आ रहा है। देखो सामने पहाड़ है, उस पर कितना बर्फ जमी हुई है, और यहाँ पे तो ये बर्फ देखो, नीचे तालाब टाइप का है ये, उधर आगे भी पूरा भरा हुआ है स्नो से। देख रहे हो आप लोग,
लोग वापस हो रहे हैं और बारिश हो गई है और जो बर्फ़ थी वो भी मेल्ट हो रही है, तो रास्ता बहुत ख़राब हो गया और हम लोग स्कूटी से हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, लेकिन नोबडी।